हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैन टॉक्स बाय पूजा मलिक इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड स्ट्रेंथ्स इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि जो लुएस एसिड्स एंड बेसिस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट होती है जब उन लुएस एसिड्स और बेसिस से अगर हम अलग अलग सब्सिटेंट्स को जोड़ते हैं सो so, जो हमें पता है अभी लुएस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था हम लुएस एसिड्स उनको क्लासिफाई करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लें इजीली एंड लुएस बेसिस हम उनको क्लासिफाई करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं अब इनकी स्ट्रेंथ किस किस वजह से इफेक्ट हो सकती है उन रीजनस को पर्टिकुलरली तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया फर्स्ट रीजन कुड बी द इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंड रेजोनेंस इफेक्ट एंड द थर्ड कुड भी द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द सब्सटिटेंट्स प्रेजेंट ऑन दीज लीनों ही रीजन्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं द फर्स्ट रीजन इज इंडक्टिव इफेक्ट एज वी नो इंडक्टिव इफेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन विड ड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की बात करते हैं सो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड ड्रॉइंग ग्रुप जब किसी ल्यूस एसिड या बेस से जुड़ता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट डालता है देखो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को किसी लुएस एसिड के एक्सेप्टर एटम से जोड़ देते हैं तो क्या होता है जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस एक्सेप्टर एटम से जुड़ गया तो वो उस एक्सेप्टर एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ खींच लेगा तो जो एटम लुएस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था उस पर इलेक्ट्रॉनिस्सिटी और डिक्रीज़ हो गई पहले ही उस पर इलेक्ट्रॉनिस्टी की कमी थी अब और डिक्रीज हो गई क्योंकि और डिक्रीज हो गई तो उसकी जो टेंडेंसी है बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की अब वो इंक्रीज हो गई उसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है कि हाँ अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया उस लुएस एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया सो इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप विल इंक्रीज दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ लुस एसिड यही इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप अगर किसी लुएस बेस से जुड़ेगा तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप एक बेस के डोनर एटम से जुड़ेगा तो ये उस डोनर एटम की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो जो डोनर एटम था जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला था उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली जो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर था जिसको वो डोनेट करने वाला था अब वो कम अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन इसी वजह से जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी सो so, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है वो एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है एंड एक बेस की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है ओके okay, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट अगर इसी में हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसी लुएस एसिड से जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा उस लुइस एसिड पर इलेक्ट्रॉनिस्टी डोनेट करेगा अब उसके पास पहले इलेक्ट्रॉनिसिटी की कमी थी लुइस एसिड ने क्या किया उसको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिस्टी दे दी अब उस डोनर उस एक्सेप्टर आइटम पर इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ गई दैट मीन्स कि अब उसे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की तो जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हुई डिक्रीज हुई दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लुइस एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है यही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर किसी लुइस बेस से अटैच होगा तो क्या होगा ये उस लुइस बेस से अटैच जिससे होगा उसके डोनर एटम की इलेक्ट्रॉनिसिटी को बढ़ा देगा अब जो लोन पेयर अवेलेबल था डोनेशन के लिए अब वो और ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा दैट मींस कि ये उस डोनर आइटम का जो बेसिक कैरेक्टर है उसको इंक्रीज कर रहा है दैट मींस अगर किसी लुइस बेस से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज़ करेगा ये इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रुप का एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इसको अब रिलीजिंगल एग्जाम्पल आप ये वाला देखो जिसमें हमने कंसिडर किया है एंड हम बी एच थ्री की बात करें तो बी एच थ्री लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि जो यहाँ पे बोरोन होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उसके पास सिर्फ छह इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस शेल में उसे दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑप्टेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए इसी रीजन से वो लुएस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब मैंने इस बी एच थ्री में से एच को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया यानी कि बी एफ थ्री कंपाउंड बनाया सो जो बी एफ थ्री है उसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बोरों से और इलेक्ट्रॉनिस्टी खींच लेगा वो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था हमने उससे और इलेक्ट्रॉनिस्टी विड्रॉ कर ली तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अब पाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई यानी कि उसकी ल्यूस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई सो तो अगर ल्यूएस एसिडिक स्ट्रेंथ की हम यहाँ पे बात करें तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी इसी का कंपैरिजन अगर हम बी एम ई थ्री से करें यानी कि हम हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उस केस में क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल वो बोरोन पे इलेक्ट्रॉनिस्टी इंक्रीज कर देगा एज ए रिजल्ट बोरोन को अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी एक लुएस बेस के साथ रिएक्शन करने की यानी कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई सो so अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें दैट विल बी बी एफ थ्री ग्रेटर देन बी एस थ्री ग्रेटर देन बी एम ई थ्री ये हो गया लुएस एसिड पे कैसे इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप का सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं लुएस बेस के लिए जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि लुएस बेस पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से क्या इफेक्ट आए फॉर एग्जाम्पल एन एम ई थ्री एनएच थ्री एंड एनएफ थ्री का कंपेरिजन करें जो एन एच थ्री हमें पता है अमोनिया वो एक लुएस बेस की तरह एक्ट करता है क्योंकि उसके नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है जिसको डोनेट करके वो एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है अगर इन्हीं हाइड्रोजन आइटम्स को मैं फ्लोरिन से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया यानी कि जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिसी प्रेजेंट है उसको हमने विड्रॉ कर लिया सो so, जो उसका लोन पेयर है अब कम अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ने इसकी जो बेसिसिटी है उसको डिक्रीज कर दिया सो एनएफ थ्री विल बी लेस बेसिक दैन एनएस थ्री दैट इज अमोनिया यहीं पर अगर मैं हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा दिस विल बिकम एन एम थ्री अब क्योंकि यहाँ पे तीन एम ई ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ये तीनों ही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिस्टी डोनेट करेंगे एंड जो उसका लोन पेयर है वो ज्यादा अवेलेबल होगा नाउ फॉर डोनेशन सो तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई सो so, बेसिक स्ट्रेंथ का आँ अगर हम ऑर्डर देखें दिस विल बी एनएमई थ्री ग्रेटर देन एन एच थ्री ग्रेटर देन एन एच थ्री सो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट था कि ये कैसे लुएस एसिड और लुएस बेस की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है द सेकेंड इफेक्ट विच वी हैव टू स्टडी इज द रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना क्या होता है जो हम बोरोन हमने नॉर्मल बोरोन हाइड्राइट्स की बात कर ली ठीक है बट अगर हम बोरोन ट्राई हेलाइट्स की बात कर रहे हैं ना बोरोन ट्राई हेलाइट्स में अगर हम कंपेरिजन करें कि उनकी लुअस् स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होता है खाली इंडक्टिव इफेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता देखो जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट से सीखा उसके अकॉर्डिंग पहले हम करके देखते हैं अगर हम तीन हेलाइट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं बी एफ थ्री बी सी एल थ्री एंड बी बी आर थ्री सो इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है देन क्लोरीन की है देन ब्रोमीन की है सो so, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप है वो तो ज़्यादा बोरोन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिस्टिव विदड्रॉ करेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिस्टिव विद्रा होगी दैट मीन्स अब बोरोन को और ज़्यादा जरूरत होगी एक लुइस बेस के साथ रिएक्ट करने की दैट मीन्स कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए सो ऑर्डर शुड बी बी एफ थ्री ग्रेटर देन बी सी एल थ्री ग्रेटर देन बी बी आर थ्री इन दी एसिडिक स्ट्रेंथ बट जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया ऑर्डर इसका बिल्कुल अपोजिट था जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी वो सबसे ज़्यादा बी बी आर थ्री की थी देन बी सी एल थ्री एंड बी एफ थ्री की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ थी सो इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए तब हमें रेजोनेंस इफेक्ट को लाना पड़ा अब रेजोनेंस इफेक्ट से इसको समझते हैं देखो एक्चुअली में बी एफ थ्री मॉलिक्यूल में क्या होता है जो बोरोन है हमें पता है उसके पास टू ऑर्बिटल है जो वेकेंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियट है अब वो जुड़ा किससे हुआ है फ्लोरीन मॉलिक्यूल से जो फ्लोरिन के टू ऑर्बिटल्स हैं वो सारे फुलफिल्ड हैं सो ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं फ्लोरिन के ये बोरोन आइटम के वेकेंट टू पाए ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं सो so, एफ का जो फिल्ड टू ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है बोरोन के एम्प्टी टू ऑर्बिटल के साथ इनका जब ओवरलैप होता है तो सिंपली एक इफेक्टिव ओवरलैप हो जाता है एंड पी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरिन एटम्स ये जो पी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है इसकी वजह से जो हमारा बी एफ बॉन्ड है उसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसी तरह के बैक बॉन्डिंग इसी को हम बैक बॉन्डिंग में क्लासिफाई भी करते हैं ना हमने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में भी अच्छे से था कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है सो so, यहाँ पर भी जो फ्लोरीन है वो वापस बोरोन के वेन्ट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है दैट मीन बैक बॉन्डिंग हो रही है अब ये जो बैक डोनेशन हो रहा है फ्लोरीन से बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल से इसी की वजह से पहले जो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए यानी कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंसी थी वो अब कंपनसेट हो गई यानी कि जब वो उसकी जो लोएस्ट स्ट्रेंथ थी वो पहले जितनी रही रही पहले उसको ज्यादा जरूरत थी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो ज्यादा छलुए एसिड था अब फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग की उसकी जो एसिडिटी थी वो डिक्रीज हो गई यही रीजन है कि जो एक्चुअल ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का दैट इज बी बी आर थ्री ग्रेटर देन बी सी एल थ्री ग्रेटर देन बी एफ थ्री क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग का ट्रेंड होता है वो भी यही होता है कि बी एफ थ्री में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है तो उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी देन बी सी एल थ्री में थोड़ी कम बैक बॉन्डिंग हो पाती है क्योंकि जो यहाँ पे ओवरलैप होता है वो टू पी और थ्री पी ऑर्बिटल में होता है एंड बी बी आर थ्री में तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो ओवरलैप है दैट इज बिटवीन टू पी एंड फोर पी ऑर्बिटल तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है जो साइज डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है कि बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई डिक्रीज हुआ ही नहीं इसी रीजन से BBr3 थ्री की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है सो so, इस और ये आपके एग्जाम में काफी बार इनका ऑर्डर पूछा भी जाता है इन तीनों का कंपैरिजन। तो इसको आप इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट से और बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल से समझा के एक्सप्लेन कर सकते हो नाउ वी हैव डन द टू इफेक्ट्स द थर्ड इफेक्ट इज द स्टेरिक इफेक्ट ओके यानी कि अगर हमारे ल्यूस एसिड या बेस पर कुछ ऐसे ग्रुप्स जुड़े हुए हों जो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हों स्टेरिक इफेक्ट लगा रहे हों तो उससे कैसे ल्यूस एसिडिटी और बेसिटी इफेक्ट होती है हमें वो समझना है इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे सी हमने एग्जाम्पल लिया कंपेरिजन का बिटवीन पायरोडीन टू मिथाइल पायरोडीन एंड फोर मिथाइल पायरडीन सो अगर हम नॉर्मली कंपेयर करें जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने नाइट्रोजन आइटम पे बढ़ा दी सो so, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास टू मिथाइल पायरेडीन है और फोर मिथाइल पायरेडीन है उनके अंदर तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और टू मिथाइल पायरेडीन में तो बहुत पास है नाइट्रोजन के सो so ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था देन फोर मिथाइल पायरेडीन होना चाहिए था देन लास्ट में पायरेडीन होना चाहिए था बट एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो हमारा ये था बट जब एक्चुअली में ऑर्डर देखा गया बेसीसीटी का तो ये ऑब्जर्व किया गया कि पायरेडीन सबसे ज्यादा बेसिक था देन फोर मिथाइल पायरेडीन एंड जो टू मिथाइल पायरेडीन था वो तो सबसे कम बेसिक था सो इंडक्टिव इफेक्ट तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था वो तो कोई और इफेक्ट बता रहा था सो so, इसको हम स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं देखो अगर हम स्टेरिक इफेक्ट से समझें तो टू मिथाइल पायडिन में सबसे ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है ना सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा सो so बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो सी एच थ्री है वो एक बल्की ग्रुप है और वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के बहुत पास है तो वो स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करता है एंड जो नाइट्रोजन का डोनर एटम है उसके पास किसी और ग्रुप का अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है अप्रोच करना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से तो ऑब्वियसली वो बेसिक नेचर अपना शो ही नहीं कर पाता यही रीजन है कि इन तीनों में टू मिथाइल पायोडीन सबसे लेस बेसिक पाया गया इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि कैसे इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें दिख रहा है कि कैसे ये जो तीनों ग्रुप्स हैं वो कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं और जो कोई नया ल्यूस एसिड इससे आके जुड़ना चाहेगा वो भी अपने ग्रुप्स लेके आएगा तो उसके और इस सी के बीच में स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है सो so, यही रीज़न है कि इसकी बेसिटी ज़्यादा होने की जगह कम है इसी को हम एफ स्ट्रेन भी बोलते हैं ठीक है जी इसी के अलावा एक बी स्ट्रेन भी ऑब्जर्व होता है जैसे एफ स्ट्रेन होता है फ्रंट स्ट्रेन ऐसे एक बी स्ट्रेन होता है जिसको हम बैक स्ट्रेन बोलते हैं ये जनरली उन एटम्स में ऑब्जर्व होता है जहाँ पे डोनर एटम किसी वजह से अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा होता है ताकि उसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो और वो बॉन्डिंग कर पाए ठीक है उस केस में हम एग्जाम्पल देखेंगे देखो हम अगर हम बी आर थ्री का एग्जाम्पल लें बी आर थ्री एक लुएस एसिड है यहाँ पे बोरोन एस पी टू हाइब्रेडाइज है जब ये बोरोन किसी लुएस बेस से जुड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अमीज से जुड़ रहा है एनआर थ्री ग्रुप से सो जब ये अमीज से जुड़ता है तो इसकी हाइब्रिडेशन पहले एस पी टू होती है बट उससे जुड़ते टाइम उसको एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होना होता है जब वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है बी आर थ्री के तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं अगर ये अल्कॉल ग्रुप्स छोटे हैं तो तो कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से ये एस पी टू से एस पी थ्री हाइब्रिडाइशन में एडजस्ट कर लेता है एंगल भी क्योंकि चेंज हो रहा है पहले वन ट्वेंटी डिग्री था अब वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री है बट इसी जगह अगर आर बल ग्रुप्स हो तो स्टेरिक इफेक्ट होगा ऑब्वियसली आर बल ग्रुप्स हैं तो वो एंगल वन ट्वेंटी डिग्री से वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री करेगा ही क्यों क्योंकि अगर करेगा तो स्टेरिक रिपल्शन होगा सो तो उस केस में ये लुअस बेस के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर ही नहीं पाता एंड उल्टा इसकी जो ल्यूस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो स्टेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं और क्राउडिंग कर रहे हैं ठीक है जी सो so, ये कुछ एग्जाम्पल थे स्टेरिक इफेक्ट्स के सो आई होप कि आपको तीनों इफेक्ट्स क्लियर हों कि ल्यूस एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ पर इंडक्टिव इफेक्ट से क्या फर्क आता है रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होता है एंड स्टेरिक इफेक्ट से क्या होता है